अस्सलाम वालेकुम। पहले एक जाली पीर को देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक जाली बाबा बैठा हुआ है, उसको औरतें और मर्द मिलकर मेहंदी लगा रहे हैं और भी उसके पाँव में और उसके हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं और उसके पीछे कव्वाली चल रहा है। मेरे भाइयों, कॉपीराइट की वजह से मैं उसका साउंड नहीं सुना सकता, लेकिन वो एक जाली पीर है और उसके आसपास लोग बैठ के उसको मेहंदी लगा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने जो जाली पीर हैं और असली पीर हैं, क्या है इन दोनों में फ़र्क, आज बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। और पॉइंट नंबर 5 आखिरी, वो उन्होंने कहा जिस तरह ये नौसरबाज किस्म के लोग होते हैं ना, उसमें उन्होंने एक मिसाल दी कि कुछ दिन पहले कोई एक फौज की कैप्टन की वर्दी पहन के उसने काफी फ्रॉड किया एक बंदे ने, तो कह रहे थे इस तरह ये नौसरबाज जो बाबे आए हैं ना, इनकी बुनियाद के ऊपर हमारे बड़े बाबों को बुरा ना कहें, हम भी मानते हैं कि नौसरबाज भी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मान लिया आप लोगों ने, लेकिन माजरत के साथ जिनको आप ठीक मान रहे हैं ना, उनकी नौसरबाजियां भी और ड्रामाबाजियां भी और डब्बा पीर होना भी हमने साबित कर दिया है उनकी किताबों से, जो मैंने नहीं छापी आप लोग छाप रहे हैं और आज तक दिफा कर रहे हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली रसूलुल्लाह, ये दरबारों के ऊपर जो सजदे हो रहे हैं इंजीनियर साहब करवा रहे हैं या इसका कस्टोडियन मैं हूं। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं आज से ऑलमोस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, 14 साल पहले की बात है, उस वक्त नया नया मैं इस तरफ आना शुरू हुआ था 2007-08 की, तो जाहिर है कि मेरी कोई वीडियोस भी नहीं थी, मुझे उस तरह कोई जानता भी नहीं था। तो मैं गोल्डरा दरबार पे गया, उस वक्त तो अम्ब्रेलवी थे, अभी ट्रांजिशन पीरियड में थे, चेंज तो फरवरी 2008 और फिर अल्टीमेटली 28 मई यौम तकबीर के दिन, जिस दिन पाकिस्तान ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे 1998 में, और 28 मई 2008 को एग्जैक्टली उसके 10 साल के बाद उस तो बड़ा एटॉमिक ब्लास्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने पहली दफा ऐलान हक बुलंद किया, तो ये मैं आपको 2007 के एंड की बात कर रहा हूँ। तो मेरा छोटा भाई, उसका निकाह था, तो उसने कहा जी मैंने गोल्डा शरीफ निकाह पढ़वाना है, उधर के मुफ्ती साहब से बात करें। तो मैं करीब ही रहता था, मेरे ऑफिस की तरफ से जो रिहाइश थी वो वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, F11 में, और ये E11 बनता है। तो मैं अक्सर असर की नमाज गोल्डा शरीफ पढ़ता था, फिर मगरिब इशा पढ़ के आराम से रात को वापस आता था। मैं भी बड़ी कोशिश की थी इन्हें बाबा पढ़ने दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाबों की मौत मेरे हाथ से लिखी हुई है, तो इल्मी मौत। तो वहां जो मुफ्ती साहब थे ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहां पे औरतें आके मजार पे सब कुछ करती हैं और खुद आला हजरत ने भी इसको कंडेम किया है और आप लोग भी मानते हैं कि औरतें, और वहां लिख के भी लगाया है उन्होंने कि औरतें मजार पे नहीं आ सकती, लेकिन थोक के हिसाब से औरतें आती हैं और चूंकि चंदा देती है ना, तो अपना चंदा कौन छोड़ सकता है मुझे बताएं आप। तो मैंने उन्हें कहा कि इन्हें रोका करें, और लोग तो डायरेक्ट सजदे भी करते हैं, वो कहते हैं हमने लिख के लगाया ना, यहां कोई सजदा ना करे, यानी वो लिख के ना अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते हैं। तो मैंने उस वक्त भी यानी इस हमीयत के अंदर कि बरेलवी मसलक को ये लोग बदनाम कर रहे हैं कि बरेलवी मसलक में तो कब्रों को सजदा नहीं है, औरतें मजार पर नहीं जा सकती, ये बरेलवी मसलक की बात कर रहा हूं, तो ये लोग बदनामी कर रहे हैं और वाबियों को मौका दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ बोले। तो मैंने उन्हें कहा कि हजरत ये काम तो आप ना करें, आप लोगों का काम है कि इन्हें जबरदस्ती रोके। उन्होंने कहा जबरदस्ती तो हम नहीं रोक सकते इस तरह किसी को, लिख के लगा दिया तो काफी है। उस टाइम भी मेरा दिमाग देखो कितना चलता सी, मैं कहा मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, अगर कोई शख्स यहां मजार पर खड़ा होकर साहिब मजार को गालियां देना शुरू कर दे नंगी, पीर मेल शाह साहब को, तो फिर आप यहां ये लिख के लगाएंगे कि साहिब मजार को नंगी गालियां देना मना है, इस पे इक्तफा कर लेंगे, और जिसका दिल करे आके बाबे को पुकार पुकार के गालियां निकाले, कहते हैं ऐसी हड्डी पसली तोड़ देंगे। मैंने कहा देख लो, तुम्हारे नजदीक बाबों की इज्जत अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के है, जो अल्लाह को गालियां दे रहे हैं शिर्क करके। जी सूरह मरियम में लिखा है करीब है आसमान फट पड़े
और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अम दाऊ लिर्रहमानी वलदा, कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया, यह भी एक शिर्क की फॉर्म है ना। यानी शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि अगर जमीन और आसमान के एहसास होते ना वो फट पड़ते कि ये अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। यानी शिर्क अल्लाह को गाली देना है। तुम बाबों को गाली देना तो बर्दाश्त नहीं करोगे, अल्लाह को लोग गाली दे रहे हैं तुम लोग बर्दाश्त कर रहे हो। खैर वो लाजवाब हो गए इस मामले में। पता नहीं शायद मेरे ये जुमले को अल्लाह की बारगाह में ऐसे मकबूल हुए हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी जितनी चूल्हें हिल रही थी, इनकी मंजी की चारपाई की चूल्हें जो हिल रही थी वो मेरे से ही ठुकवाई कि अल्हम्दुलिल्लाह चूं चूं आना बंद हो गई है। वो अब जो चूं चूं आ रही है ना वो इनकी चीखें हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी हमीयत अपने बुजुर्गों के लिए, अल्लाह रसूल के लिए कोई हमीयत नहीं है। और आखिर में मैं ये क्लियर करूं, वैसे मेरी अलग से एक वीडियो बड़ी तफसीली रिकॉर्ड है कि ये जो हम बोलते हैं ना बाबे तो शाही कोई नहीं, यार ये एक जुमला है खुदा के लिए, अल्लाह से डरो, पूरी बात किया करो। अगर मैं कुरान से जुमला उठाऊं, इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, बेशक अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है, तो जाहिर लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कुफर है। और मैं कहूं कुरान में लिखा है तो कुरान भी कहेगा कि लिखा तो हुआ है लेकिन ये मेरी आयत नहीं है क्योंकि तुमने आधी पढ़ी है। जिस तरह वो क्लिप मेरा क्लिप नहीं है जो आधा आप लोगों ने पेश किया, अगरचे मेरा ही क्लिप है, तो कुरान कहेगा कि पूरा क्लिप यूं है, लकद कफर अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। ये है पूरी आयत, ये है पूरा क्लिप कि बेशक वो लोग खुला कुफर कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इब्न मरियम है। आधा क्लिप तो मैंने जो ये बात की थी, बाबे तो शाही कोई नहीं, ये नहीं मैंने कहा था कि मतलब इनको कोई डिग्रेड करने के लिए, ये पूरा जुमला आप पढ़े क्या है, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही को नहीं, यानी रसूलल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, यानी रसूलल्लाह के मुकाबले पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीनों कैटेगरीज में ये मैं बात कर रहा हूं, इस ज़हन में रखिएगा। नंबर वन, जो क्वालिटी सिर्फ अंबिया का खासा है, अगर तुम अपने बाबों में मानोगे तो मैं कहूंगा कि बाबे ते शाही कोई नहीं, ये सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर टू, जो क्वालिटीज नबियों को भी हासिल नहीं है वो तुम अपने बाबों के लिए क्लेम करोगे तो उसमें तो मैं बदरजा औला बोलूंगा कि अंबिया को ये क्वालिटीज नहीं मिली हुई है, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। और नंबर थ्री, अंबिया कराम की तालीमात के मुकाबले पर तुम्हारे बाबों की तालीमात शाही कोई नहीं। सीधी सी बात है। अब आपको समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैं अदब से पूछूंगा, सदियों से आप पब्लिक को यह पढ़ा रहे थे कि जनाब बड़े से बड़ा कोई गौस कुतुब अब्दाल हो, एक सहाबी के घोड़े के कदमों की खाक जो घोड़े के नथरों में बैठे उसको नहीं पहुंच सकता। ए जाली डब्बा पीर नहीं, हाँ नौसरबाज नहीं, मुफ्ती साहब जिन्होंने तुम नौसरबाज कहते हो, ओरिजिनल बाबा, ओरिजिनल बाबा बड़े से बड़ा किसी साहबी के कदमों की खाक जो उसके घोड़े के नथरों में बैठे उसके बराबर नहीं है, तो नबी के मर्तबे तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। तो तुम भी तो यही कहते थे बाबे दे शाही कोई नहीं, बल्कि जलील करते थे। तुमने भी सुना है, तुम कह रहे हो घोड़े के कदमों की खाक जो उसके नथनों में बैठे उसको कोई नहीं पहुंच सकता, कोई बुजुर्ग बाबा जो साहबी के घोड़े की खाक है, तो तुम यही तो कह रहे थे। तुम कहो तो उस पर सुबहानला पड़ा जाता था, और मैं अपने नबी के मुकाबले पे कहूं कि बाबे तो शाही कोई नहीं, तो ये गुस्ताखी है। तुम साहबा के मुकाबले पे कहते थे, अपनी अकल का इलाज करवाओ। आपको लॉजिक समझ आई, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं जो बात करता हूं ना वो जाके इनको काट जाती है, इसलिए कि इनके अकायद नजरियात फिरकों चंदों के ऊपर जर पड़ती है, अदरवाइज यही बातें ये लोग करते रहे हैं, ये नहीं करते रहे। आप लोगों ने बचपन से नहीं कहानी सुनी, हालांकि ये कोई आयत हदीस नहीं है, एक कहानी चल रही थी, आप लोगों ने सुनी है कि नहीं सुनी, कमेंट करके बताइए। हम नहीं इसके साथ एग्री करते, बिल्कुल कोई एग्री नहीं करते। क्यों जी, घोड़े के कदमों की खाक क्यों? बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे जमाना बेहतर मेरा है, फिर मेरे साहबा का, फिर ताबईन का, तबा ताबईन का। आप साहबे कराम के घोड़े के कदमों की खाक के साथ तो ना उसे कंपेयर करवाएं।
आपके साहबा के बाद ताबईन है, फिर तबा ताबईन है, और यूं सिलसिला चलता है। ये बात करें, घोड़े बीच में कहां ले आते हैं यारा? कोई आम घोड़ा भी किसी मुसलमान से अफजल नहीं हो सकता, किसी साहबी का घोड़ा भी मुसलमान से अफजल होगा? मुसलमान की तो हुरमत है, ईमान वाले की तो हुरमत है। जानवरों को आप इंसानों से ऊपर ले जा रहे हैं और फिर इसमें आगे चलते हैं जी मैं मदीने का कुत्ता हूं। अल्लाह जो बंदे हो, कोई शर्म करो, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, तुझे कुत्ता कह रहे हो अपने आप नो? हाँ, फिर मिसालें देते हो कि जी हजरत अली और हमजा भी तो शेर थे। ओ भाई, शेर तो मिसाल दी जाती है इसलिए कि उसकी बहादुरी की मिसाल दी है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। कुत्ते की वफादारी की मिसाल कहीं अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं दी है। अलबत्ता कुरान में उलमाए सू को कहा गया कुत्ते हैं सूरतुल अराफ के अंदर, और राल टपकती रहती है इनकी। हाँ, और अबू दाऊद में हदीस है कि ये वो कुत्ते हैं जिनका हलक कूद जाता है फिरकों में और बिदत जारी हो जाती है। नोटोरियस मिसाल कुत्ते की हमेशा आई है। असाबे काफ के भी कुत्ते का जिक्र है, तो बस वो सिर्फ कुत्ते का जिक्र है, ये नहीं है कि वो कुत्ता जो है वो इंसानों से अफजल हो गया। अल्लाह से डरो यारा, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया हुआ। वो कहते हैं नहीं, वो कुत्ता लॉयल होता है। तो किसी साहबी ने दूसरे साहबी को कहा कि तुम अपने नबी के साथ वैसे ही वफादार हो जैसा कि कुत्ता मालिक के साथ होता है? नहीं। और फिर छक्का मैंने मारा था, अगर बिल्कुल ना समझ आए तो इनके बेटे को कोई कहे जाके शेर का पुत्र, तो कहेगा एंज देखे वे कुत्ते का पुत्र। अरे चलो, मदीने के कुत्ते का पुत्र। और जो मदीने का ओरिजिनल कुत्ता है ना, सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत जिब्राइल ने हुजूर से वादा किया, यार सुल्ला मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन वो टाइम पे नहीं आए, लेट नहीं हुए, को ट्रैफिक में नहीं फंस गया। हजरत जिब्राइल है, फरिश्ते हैं। फिर हजरत जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि यार सुल्ला, आपकी चरपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा था, मदीने के कुत्ते का बच्चा, हाँ ओरिजिनल सगे मदीना, इसको आप निकालेंगे तो हम दाखिल होंगे, क्योंकि हम फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते जहां पे कुत्ते होते हैं। वो हुजूर ने वो सगे मदीना निकाला, जो पाकिस्तान में करोड़ों लोग अपने आप को कहते हैं। तुम लोगों की औकात ये कि तुम हुजूर के पास बैठे हुए हो तो हुजूर के पास फरिश्ते नहीं आते हैं, जाहिर है, कहते हैं ना जी। बल्कि इससे अगली बात वो कहते हैं जी, मदीने के कुत्ते जो है ना, हम तो उनके कदमों की खाक है। ये मुझे बताओ यार, कोई इंसानियत से गिरे हुए लोग, इन लोगों का ये हाल है। तो ये इस किस्म की मिसालें पेश करते थे। तो ये मैंने जो बात की ना, बाबे ते शाही कोई नहीं, तो ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि जो स्टेटस सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है, वो अगर आप बाबों को देंगे तो हम कहेंगे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। तो मेरे भाई, ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।